हम तोर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और उसका टॉपिक है फुटबॉल और उसका आज आ, है नेक्स्ट चैप्टर जो है फ़ुटबॉल उसका ये टॉपिक है रेफरी और उसके फराज़ ठीक है नंबर एक हर खेल के लिए एक रेफरी होगा अगले और पिछले तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं हर खेल के लिए एक रेफरी होगा खेल के कवायद और जवाब के तहत हासिल शुदा अख्तियार इसके खेल के मैदान में दाखिल होने पर शुरू हो जाते हैं इसके अख्तियार का कदर वसी है कि खेल के अर्जी बंद होने के दौरान जब बाल मैदान के बाहर जाने की सूरत में होने वाली बेज़तगी का भी सर नोटस लिया जा सकता है यानी अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो उसका क्या होगा नोटिस लिया जाएगा वो कवानीन अमली तौर पर नाफिज करता है रेफरी ठीक है रेफरी मुतनाज़ और ग़ैर वाज़ कवानीन पर फ़ैसला करता है अगर कोई मुतनाज़ कानून हो तो वो उस पर फैसला करता है नंबर पाँच खेल के नतीजे इसके दौरान वकूल पजीर होने वाली वाक़ पर इसका हतमी फैसला होता है नंबर छः रेफरी ऐसे हालात में सजा देने से इजनाब करता है जब इसे यकीन हो कि ऐसा करने से हमला आवर टीम को नुकसान होगा यानी वो ऐसा फ़ैसला नहीं दे सकता जिससे मुखालिफ टीम को या किसी टीम को नुकसान होता है नंबर सात खेल का बाकायदा रिकॉर्ड रखता है बासियत टाइम कीपर के फ़रज़ भी सर अनजाम देता है ठीक हो गया नंबर सात इस तरह पूरा या तय शुदा वक्त इससे ज़्यादा वक्त जो किसी सबब या हादसे की सूरत में ज़ाया हो गया इस हाफ वक़ में जमा किया जाएगा नंबर आठ रेफरी के पास अच्छी विसल सेटाप वाज इलेक्ट्रॉनिक वाज पेंसिल नोटबुक टास्क के लिए सिक्का और वार्निंग कार्ड होना ज़रूरी है नंबर नौ रेफरी को अपने मखसूस लिबास में होना चाहिए यानी काली निकर कमीज और बूट वगैरह नंबर दा रेफरी को यह इम्तियाज़ हासिल है कि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खेल को रोक सकता है अगर मौसम ख़राब या तमाशाई दाखिल अंदाजी करें तो वो खेल को आर्जी तौर पर या कि तौर पर बंद कर सकता है कतई तौर पर एसोसिएशन को या इंतज़ामिया को टूर्नामेंट को कानून की रूह से मुकर वक्त के अंदर तफसील रिपोर्ट भेजना होगी यानी अगर बंद करता है मैच तो बताना पड़ेगा कि भाई क्यों बंद किया है ठीक है नंबर ग्यारह रेफरी खेल के मैदान में दाखिल होती किसी भी खिलाड़ी को नाशिस्ता गैर शरीफाना रवैये पर वार्निंग और जर्द कार्ड दिखा सकता है यानी अगर कोई खिलाड़ी गलत काम करता है तो उसको वो वार्निंग कार्ड दिखाएगा अगर खिलाड़ी अपनी हरकत से बाज ना है तो इसे खेल के मैदान से बाहर निकाल दिए जाएंगे इसकी इतला मुतलक़ा एसोसिएशन के अफ मजाज अफसरान को मकर टी वक़ के अंदर दी जाएगी नंबर बारह रेफरी खिलाड़ियों लाइनमैन के अलावा किसी खेल के मैदान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी रेफरी किसी खिलाड़ी के शदीद जख्मी होने पर खेल को रोक देता है और फौरी तौर पर इस पर इस खिलाड़ी को खेल के मैदान से बाहर भिजवा कर खेल दोबारा शुरू करवा देता है अगर खिलाड़ी मामूली जख्मी हो तो खेल के इस वक्त तक बंद नहीं कराता जब तक कि खेल आर्जी तौर पर खुद ब खुद बंद ना हो जाए नंबर चौदह कोई ऐसा खिलाड़ी जो गोल लाइन या टच लाइन या किसी भी मदद के असूल के लिए जाता हो तो इसे लाइन खेल से बाहर तसवर किया जाता है यानी कोई खेलने के दौरान ऐसी बात निकल जाता है तो वो फिर बाहर ही रहेगा रेफरी को अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी खिलाड़ी को इसके ग़लत रवैये की बिना पर ख़तरनाक खेल की सूरत में गाली गलोच की सूरत में वार्निंग दी गई इसको खेल से बाहर भेज सकता है और सुर्ख कार दिखा सकता है यानी अगर कोई गाली गलोच निकालता है या बुरी हरकत करता है तो उसको बाहर निकाल दिए जाएगा नंबर सोलह रेफरी हर दफ़ा खेल को रोकने के बाद दोबारा जारी रखने के लिए इशारा करेगा रेफरी ये देखेगा कि आया मुतबादल खिलाड़ी जो मुहैया किए गए कानून के मुताबिक है या नहीं खेल के कवानीन का ये तकाजा है कि खेल के बगैर किसी भी मुदाखलत किसी भी किस्म की मुदाखलत के जारी रहे इस सिलसिले में रेफरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो संगीन नोयत की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले खिलाड़ी लगातार विसल बजाने से न सिर्फ खेल की रूह को नुकसान पहुँचता है बल्कि तमाशाई खिलाड़ियों भी इस पर बुरा तासर यानी ऐसे लगातार बार बार विसल नहीं बजानी जान बुझ के सीटी ठीक है नंबर उन्नीस अगर कुल को, कोई खिलाड़ी एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ कर रहा है तो रेफरी इस सूरत में संगीन बेजाबतगी की सजा दे सकता है नंबर बीस ये रेफरी की ड्यूटी है कि वह अपने लिए गैर जानबदार ड्यूटी रेफर का तकर करे यानी रेफरी ऐसा ना हो कि एक ही टीम के हक़ में फैसला दे बल्कि जानबदार हो नंबर इक्की रेफरी को खेल के कवानीन और जवाब पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए और उन कवान को अमली तौर पर खेल के मैदान में नाफज करने की बीच इस्तात रखता हो यानी जो रेफरी हो उसे पता हो कि भाई कहाँ पे क्या करना है और वो तमाम असूलों से वाकिफ़ हो इन तमाम ख़ूबियों के अलावा रेफरी का गैर जानबदार ईमानदार मौका शनाश बाह जिसमानी तौर पर फिट और ख़ुद अतमाद होना चाहिए यानी ऐसा रेफरी होना चाहिए जो कि मुकर वक़्त में बेहतरीन तरीके से ड्यूटी करे उसे सारी चीज़ों का पता हो ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना हो कि गोल क्या होता है और ये तो ऐसे अपने पास से वो चीज़ें ना बताता फिर है तो यकीन है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्टी रेफरी और इसके फ्राइज इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूँ अल्लाह हाफि